बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम्स। स्टूडेंट्स, इट्स टाइम फॉर योर साइंस क्लास, सो बी रेडी फॉर इट। वी आर स्टडिंग यूनिट नंबर 1, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। एंड आवर टॉपिक फॉर टुडेज इज ऑर्गेनिजम्स। टू स्टार्ट ऑर्गेनिजम्स, वी विल फर्स्ट डिस्कस टिडबिट and interesting information given in this box. The human body is made of more than 200 different types of cells. Human body 200 different types of cells se zyada cells se milke bani hoti hai. And in flowering plants 9 types of cells are present. Flowering plants mein 9 types hain, 9 tarah ke jo types hain plants ki wo present hoti hain. The freshwater animal Hydra has only 7 different types of cells. Next is kidneys. Kidneys are very important organs for our body, and they remove waste from the blood and control the quantity of water in the body. Kidneys ka main function kya hai, ye hum already padh chuke hain, lekin hum thoda dobara se isko discuss karte hain. Kidneys ka main function kya hai, kisne hamare blood se waste material ko remove karna hai, और इसके अलावा इसने वाटर की क्वांटिटी को बॉडी में कंट्रोल करना है। थर्ड इज आर स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आर बॉडी। हमारी जो स्किन है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। इट्स आउटर मोस्ट पार्ट इज मेड ऑफ डेड सेल्स। और जो सबसे बाहर वाली लेयर जो हमें नज़र आ रही होती है इट इज़ मेड ऑफ डेड सेल्स। एंड नेक्स्ट वो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इज़ नॉट इट स्ट्रेंज दैट वी मेक मच एफर्ट टू मेक आर डेड सेल्स लुक नाइस। वो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या ये वाकई एक स्ट्रेंज एक अजीब चीज़ नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है अपने डेड सेल्स को अच्छा दिखाने के लिए, कि हम डेली बाथ लेते हैं, नहाते हैं, अपना फेस वॉश करते हैं, अपने हाथ पाँव को साफ़ करते हैं, तो हमें काफ़ी उसको मॉइस्चराइजर वगैरह लगाते हैं, कोई क्रीम श्रीम यूज़ करते हैं, तो हमें काफ़ी कोशिश करना पड़ती है अपने इन डेड सेल्स को अच्छा दिखाने के लिए। ये जो पूरा बॉक्स है ये एम सी क्यूज़ के लिए आपने लर्न करना है। टिडबिट वाला पूरा बॉक्स ये एम सी क्यूज़ में आपको आ सकता है। ओके, लेट्स स्टार्ट आर मेन टॉपिक ऑर्गेनिजम्स। व्हाट आर ऑर्गेनिजम्स? ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? ये हाईएस्ट लेवल हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का हाईएस्ट लेवल है। सबसे स्मॉलेस्ट लेवल कौन सा है ये हमें पता है, सेल है। सेल के बाद हमने पढ़ा था टिश्यूज़, टिश्यूज़ के बाद हमने ऑर्गन्स को डिस्कस किया था, ऑर्गन्स के बाद हमने ऑर्गन सिस्टम को डिस्कस किया था। अब ऑर्गन सिस्टम्स के बाद में क्या आता है? ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स क्या है? द लास्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और लास्ट तो नहीं है लेकिन एक ऑर्गेनिजम्स के अकॉर्डिंग हम इसको देखे थे। अब ऑर्गेनिजम्स के बाद एक और लेवल आता है, उसमें हम पॉपुलेशन कहेंगे उसको। ऑर्गेनिजम्स के बाद स्पीशीज़ आएगा, स्पीशीज़ के बाद पॉपुलेशन आएगा, और पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी आएगा, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम ऑर्गेनिजम्स पे ही रहते हैं। द हाइस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग थिंग्स इज अ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म क्या है? एन ऑर्गेनिज्म इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। अब एक ऑर्गेनिज्म्स में कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम हो सकते हैं? अब हमें पता है, अगर हम अपनी एग्जांपल लें तो हमारे अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, कितने सारे सिस्टम है। तो ये सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिल के एक ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। मतलब अगर एक ऑर्गेनिज्म में इन पांचों या ये छह हैं जितने भी ये ऑर्गन सिस्टम, अगर इनमें से एक चीज़ भी स्किप हो जाएगी तो वो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएगा। ऑर्गेनिज्म इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स विच वर्क इन कोऑर्डिनेशन। एंड इफ़ एनी ऑफ द बॉडी सिस्टम फेल्स टू वर्क प्रॉपरली, अगर हमारे बॉडी का कोई भी सिस्टम अपना काम करने में फेल हो जाए तो क्या होगा? आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मे डाई। अब अगर हम हार्ट की एग्जांपल लें, हार्ट अगर हार्ट फेल हो जाता है तो क्या होगा? एक ऑर्गन है ना, छोटा सा ऑर्गन है, हार्ट फेल हो गया तो ह्यूमन डेड हो गया या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो गया। हमारी ब्लड बॉडी की अगर कोई वेन क्या उसको कहते हैं फ्रैक्चर हो जाए, कोई ब्लड की कोई वेन वो फट जाए तो उससे क्या होगा? उससे भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है। तो ये ऑर्गेनिज्म है और इसमें ये आपने यहाँ से लेके करना है। ऑर्गेनिज्म इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम विच वर्क इन कोऑर्डिनेशन, यहाँ से लेके मे डाई तक। ये पूरा आएगा क्वेश्चन किसका? पूरा बॉक्स है, बल्कि आप इसमें लिखना है डिफाइन ऑर्गेनिज्म या व्हाट इज ऑर्गेनिज्म,
ये पूरा बॉक्स इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो ये साइड्स पे हमें इस पिक्चर में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमें नज़र आ रहे हैं ये सारे क्या हैं, ये ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके नेक्स्ट हम चलते हैं होम असाइनमेंट की तरफ। सॉरी उससे पहले ये एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ है, ये हम देखते हैं। अभी हमने सबसे पहले डिस्कस किया था सेल्स। सेल्स क्या है? द बेसिक यूनिट, द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम्स मिलके ऑर्गेनिजम्स बना रहे होते हैं। तो ये था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। अब नेक्स्ट हमारा है होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट में क्या है आपके पास कि लर्न एंड राइट क्वेश्चन आंसर ऑन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक्स पे क्वेश्चन आंसर को राइट करना है और इन क्वेश्चन को लर्न भी करना है। एक ही क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट आर ऑर्गेनिजम्स। इससे पहले जो हमने टिडबिट एक बॉक्स इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन वाला पढ़ा है वो आपने एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग उसको तैयार करना है, उसको प्रिपेयर करना है। और सारे बच्चे लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे तो बेटा सारे बच्चे एक्टिवली क्लासेस को अटेंड किया करें, या आपके फ़ायदे के लिए लिए जा रही होती हैं। तो सारे बच्चे एक्टिवली लेक्चर को सुना करें और अपना होमवर्क मुझे सेंड किया करें। लेक्चर को ध्यान से सुने, अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह ब्लेस यू ऑल।